Assalamualaikum. After a long time, today I decided to shoot my vlog. So, आज मुझे जाना है अपने आगोश के बच्चों के साथ. उनका अलाइड स्कूल में एनुअल फंक्शन है जिसमें उन सबने पार्टिसिपेट किया है और मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप भी आएँ, इसलिए मैंने आज अपने सारे ट्यूशन्स ऑफ किए हैं उनके लिए और आज मैं जाऊँगा वहाँ. तो अभी पहले जाऊँगा बाल बनवाने, कुछ थोड़ा बहुत खुद को थोड़ा ग्रूम करने, फिर उसके बाद चेंज करके फिर उसके बाद जाऊंगा मलीर. तो इससे आगे का मैं शूट करूंगा थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून. मैं नहा कर आ गया हूँ, बस चेंज भी कर लिया है, बस अभी थोड़ा कंघी करनी है और उसके बाद निकलने के लिए बिल्कुल रेडी. जी अब मैं अपना सारा कुछ पहन लिया है, बाल बना लिए हैं और बस जाने के लिए तैयार हूँ और बस अब निकल रहा हूँ क्योंकि रास्ते में बहुत वो है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मट्टी है इसलिए, और जहाँ मंजिल है वो थोड़ी दूर है इस वजह से. मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, अभी वो मुझे एक घंटा हो गया है. रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक थी, बहुत हजूम था, यहाँ पे गर्मी काफ़ी है और काफ़ी अच्छा माहौल है, गवर्नमेंट अच्छा है लेकिन गर्मी काफ़ी है. आज वैसे ही मौसम बहुत गर्म है, उस वजह से ये मेरे कुछ आगोश के बच्चे जो मेरे साथ बैठे हैं.
अभी भूख इतनी लग गई है कि अभी हम स्नैक्स खा रहे हैं। इन बच्चों ने मुझे स्नैक्स दिए। आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि जो बच्चों ने पोजीशंस हासिल करी हैं उनके लिए तो क्लास आप लोगों ने बिल्कुल किए साइड पे हो जाओ करी आप लोगों ने नहीं करी, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जिन्होंने एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, कोई ना कोई रैंक जरूर दिया, नो मैटर उन्होंने पोजिशन ली या नहीं, लेकिन वो आपकी तालियों के आपकी दाद के हकदार हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने हर एक बच्चे के लिए जो आपके इस स्कूल में पढ़ता है उसने एग्जामिनेशन दिए उसने रिजल्ट क्लियर किया, उन तमाम बच्चों के लिए आप सब लोग भरपूर तालियां बजा रहे हैं।